नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीति का खारा में। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में काफी गहमागहमी है। इस बीच महागठबंधन बनाकर चुनाव में हिस्सा ले रही कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 10 प्रत्याशियों के नाम है। इस सूची के सामने आने के बाद टिकट ना मिलने से नाराज कांग्रेस नेताओं के बागी तेवर खुलकर सामने आ गए हैं। प्रदेश में कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने तो पार्टी छोड़ने की धमकी तक दे दी है। इनमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आबिद रसूल खान भी शामिल हैं। आबिद का कहना है कि राहुल गांधी ने उन्हें मिलने तक का समय नहीं दिया। कांग्रेस तेलंगाना में टीडीपी, सीपीआई और टीजेएस के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतर रही है। विधानसभा की कुल 119 सीटों में से कांग्रेस 94 पर चुनाव लड़ने जा रही है। इनमें से 75 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। कांग्रेस की ओर से जारी की गई दूसरी सूची में 10 प्रत्याशियों के नाम हैं। दोनों सूचियों के 75 प्रत्याशियों में से मुस्लिम सिर्फ 4 हैं। खबरों के मुताबिक मुस्लिम नेताओं ने 14 सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 दी गई हैं, जो उनके समुदाय के साथ न्याय नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ मुस्लिम नेता आबिद रसूल खान ने कहा कि अब उन्हें पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम नेताओं को अच्छी डील दे रही है। मुस्लिमों को दी गई 4 सीटों में से 3 हैदराबाद ओल्ड सिटी से हैं। वहीं चौथी कामारेड्डी है, जिसका पूर्व मंत्री शब्बीर अली लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आबिद कहते हैं कि ओल्ड सिटी में भी 3 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के गढ़ में है, इसलिए सीटें किसी भी पार्टी से किसी भी मुस्लिम के लिए असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी और आरसी खुंटिया से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन हमें मिलने का समय नहीं दिया गया। टिकट बंटवारे पर हुई मुस्लिम नेताओं की बैठक के बाद आबिद रसूल खान ने कहा कि हम अपने समुदाय के बुजुर्गों और मतदाताओं से दृढ़ निर्णय लेने के लिए जबरदस्त दबाव में है। पार्टी अल्पसंख्यक विंग ने राहुल गांधी को मुस्लिम नेताओं की एक सूची दी थी है, जिन्हें संबंधित क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। उन्होंने कहा, हम जोर नहीं दे रहे हैं कि टिकट केवल हमें दिए जाएं, टिकट किसी भी मुस्लिम को दिया जाए जिससे समुदाय का पक्ष रखा जा सके। मुस्लिम नेताओं के मुताबिक लगभग 45 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तेलंगाना में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 22 नवंबर है। मतगणना 11 दिसंबर को की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से पहले जारी किए गए बयान के अनुसार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या में करीब 9 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में मतदाताओं की संख्या अब 2.73 करोड़ है। राज्य में 32,574 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतदाताओं की संख्या के आधार पर कुछ और मतदान केंद्र भी स्थापित किए जा सकते हैं। अब चुनाव के लिए बहुत कम समय रह गया है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।